नमस्कार, मैं लवली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय भारत में। और हमारे साथ मौजूद हैं हम की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और स महिला प्रभारी अध्यक्ष अनामिका पासवान जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय भारत में। तो अनामिका जी, ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके कारण आपने मतलब बगावती तेवर अपना लिया हम के खिलाफ? जी, ऐसी कोई बातें धीरे धीरे होती है, एकाएक कोई होती नहीं है। और हम लोग उस दिन से जुड़े हम पार्टी में, जिस दिन हम पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, जीतन राम मांझी जी ने नीतीश से नाता तोड़ा था जी, और एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का गठन किया था ताकि नीतीश सरकार को हटाया जाए और गरीबों की एक सरकार बने, सबको न्याय मिले, एक विचारधारा के साथ हम जुड़े थे। राजनीति विचारधारा से होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें पार्टी में ये दिखने लगा कि हमारी विचारधारा पार्टी से नहीं मिलती है, क्योंकि पार्टी की अब कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जिस नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए वो गठन करते हैं, उसी नीतीश जी के स्वागत के लिए फूल लेकर वो खड़े रहते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो किस गठबंधन में रहेंगे ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने परिवारवाद का बहुत विरोध किया था, लेकिन जब MLC बनने की बात आई तो अपने पुत्र को आगे कर दिया। फिर संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उस समय थे हमारे कृष्ण पटेल जी, उनको हटाकर अपने पुत्र को ही बना दिया, और कई ऐसी बातें हैं। वर्करों को साइड कर दिया गया, वो गुलाम समझा गया। 5 साल वर्करों को ये कहकर खटाते हैं कि तुम इस क्षेत्र में खटो, तुम्हें ही इलेक्शन लड़ाया जाएगा, लेकिन जब टिकट बंटवारे का टाइम आता है तो महज अपने पिता, पुत्र और दामाद और एक दो लोग और बैठकर बंद कमरे में ये तय कर लेते हैं कि किसको टिकट मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं से पूछा भी नहीं जाता है कि आपके जिले से किसको टिकट दिया जाए। तो ये अनदेखी मुझे पसंद नहीं आई और मैं बहुत आहत हुई, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। तो हमको छोड़कर आपने मम का मतलब निर्माण किया है, क्यों किया और आखिर मम क्या है थोड़ा सा? मम मेरा एक ख्वाब था। मैं बहुत, जब मैं स्टूडेंट थी तभी से मुझे लगता था कि महिलाओं को आगे करने के लिए, उसको नेतृत्व का अस्तित्व देने के लिए मैं ज़रूर काम करूँगी एक दिन। और जिस तरह से सभी पार्टियाँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन सभी ने महिलाओं की अनदेखी की राजनीति में। 33% आरक्षण की बात सभी पार्टियां करती हैं। वह जीतन राम मांझी जी ने भी कई बार घोषणा की थी हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिनों में कि मैं 40% महिलाओं को आरक्षण दूंगा, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो वो लोग महिलाओं को साइड। आपने देखा भी होगा कि अभी महज 2-3 की संख्या में सभी पार्टियों में महिलाओं को टिकट दिया गया, और वो भी किस परिस्थिति में दिया गया, किनको दिया गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने महिला अधिकार मोर्चा का गठन किया ताकि महिलाओं को मैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिला सकूं, और उनमें एक नेतृत्व की क्षमता जगाकर उन्हें मैं दिखा सकूं कि महिलाओं में भी क्या क्षमता हो सकती है। इसीलिए मैंने मम का निर्माण किया जी। तो आगे आप किस पार्टी में जा रही हैं या फिर कुछ इसके बारे में भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं? जी, अभी मैंने कोई विचार नहीं किया है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं। अभी तो मैं महिला अधिकार मोर्चा को लेकर आगे बढ़ूंगी, लेकिन हाँ, ये हमारे कार्यकर्ता और हम लोग सभी तय कर रहे हैं कि हो सकता है हम अपनी एक नई राजनीतिक दल लेकर आएंगे जिसमें हम महिलाओं को 50% टिकट देने का काम करेंगे ताकि महिला नेतृत्व को उभारा जा सके। हम तो ऐसा देखा जाता है कई बार कि लोग कह तो देते हैं कि मतलब महिलाओं को देंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तो इसीलिए तो मैंने ये मम जो अभी बनाया है, मैंने ये एक मेरा साइड संगठन होगा, लेकिन राजनीतिक दल का नाम कुछ और होगा, और हम जल्द ही आएंगे इस दुनिया के सामने कि एक महिला भी दूसरी महिला के लिए कैसे खड़ी हो सकती है और नेतृत्व को उभारने का काम कर सकती है। ये मैं सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिखाना चाहती हूँ कि महिलाओं की क्या क्षमता होती है। नहीं तो अन्यथा आप देखते होंगे कि जिनके पति दबंग होते हैं उन्हीं को टिकट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हर चुनाव की पारी में तो कहाँ है NRE, पति हो अगर दबंग तब शायद पत्नी की बारी, पर पति के खूंटे से तेरी बंधी रही सारी, और हर चुनाव की पारी में तू कहाँ है NRE, इस सोच को मैं बदलना चाहती हूँ जी। इसलिए मैं अकेले चलूँगी और अपने सभी साथियों को, जो कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिल रहा है आज के समय में राजनीतिक दलों में, वो भी हमारे साथ आएंगे और हम भी उनका साथ देंगे। और इसीलिए हम लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया है, और मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ, हमारे सोच की विचारधारा के लोग अगर जुड़ते हैं तो वाकई में वो दिन दूर नहीं है जब महिलाएं अपना राजनीति में अपना अस्तित्व दिखा सकती हैं जी। मतलब महिलाएं जो हैं राजनीति में भी अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकती हैं, और जैसा कि मैम ने कहा कि उन्हें भी मौका दिया जाएगा, वो भी पुरुषों के साथ जो है
मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, वो भी राजनीति में, और 50% महिलाओं को मतलब ये फैसिलिटी दी जाएगी, जैसा कि मैम ने कहा आधी आबादी को पूरा, जी आधी आबादी को जो है ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी। तो मैम आगे आप कौन सी राजनीति करने वाली हैं, दलित की राजनीति या फिर महिलाओं की राजनीति? देखिए अभी जो हमारे बिहार में या भारतवर्ष में राजनीति हो रहे हैं वो कोई सवर्ण कार्ड खेल रहे हैं, कोई दलित कार्ड खेल रहे हैं, कोई पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं, मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब कोई कार्ड चलने वाला नहीं है, जो काम करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, वही दिखेंगे। तो हम लोग अब काम करेंगे और काम का ही कार्ड खेलेंगे। हाँ, महिलाओं को स्थान दिलाने के लिए तो मैं उन लोगों को जरूर चैलेंज करूँगी कि, और मैं दिखाऊंगी भी करके कि नारी नर की धाय नहीं, बिना सिंह की गाय नहीं, नहीं किसी की दासी है, वह तो रानी झांसी है, बहस करो मत बाधा दो, अब उसको भी आधा दो, उसके बिना विकास नहीं और नए राष्ट्र का निर्माण नहीं, ये मैं दिखाना चाहती हूँ। और आप इसको कह सकते हैं कि महिलाओं को आगे लाने के लिए महिला कार्ड खेलूंगी जरूर, और देखती हूँ कि जो जातीय और जो जैसे 3% जीतन राम मांझी की आबादी, वो दलित कार्ड खेल रहे हैं। रामविलास पासवान जी कहते हैं कि 5% पासवान की जाति है कि संख्या है यहाँ पर बिहार में, वो पासवान कार्ड खेल रहे हैं, उसी प्रकार एम वाई समीकरण खेला जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी आबादी तो 50% है, फिर हमारी आबादी को क्यों इग्नोर किया जाता है, ये जाति धर्म का कार्ड क्यों खेला जाता है, इस चीज़ को मैं मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे अपना एक राजनीतिक दल लेकर आना ही होगा, और रामविलास और जीतन राम मांझी अब दलित के नेता रहे नहीं, अब वो दोनों धृतराष्ट्र हो चुके हैं, उनके लिए उनके बाल बच्चे परिवार ही सब कुछ है, तो अब दलित कार्ड उन लोगों से अब चलने वाला है, किसी का कार्ड नहीं चलेगा। अब हमसे यही जानेंगे कि 2020 के चुनाव में आपका क्या रोल होगा? 2020 के चुनाव का हम लोग रणनीति बना रहे हैं, और अगर हम राजनीतिक दल लेकर आते हैं तो वाकई में हम 50% सीटों पर महिलाओं को टिकट देंगे और उन वर्करों को टिकट देंगे जो वाकई में पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। और जिस तरह से इग्नोरेंस होती है कार्यकर्ताओं को, गुलाम समझा जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है वो जनता और नेता के बीच में पुल का काम करता है, और आज वो पुल कमजोर हो चुका है। ये जितने भी अभी शीर्ष नेतागण हैं वो कार्यकर्ताओं को खटाते हैं, लेकिन जब टिकट का टाइम आता है तो बंद कमरे में ये निर्णय लिया जाता है। तो इस चीज़ को मैं तोड़ना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ, कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता है तो पार्टी है जी, और पार्टी है तो नेता है जी। तो ये इस चीज़ को मैं उनकी जो विचारधारा है रहती है अभी शीर्ष नेताओं की, मैं हूँ तो कार्यकर्ता है जी, इसको मैं जरूर तोड़ के दिखाऊंगी जी। तो हमने थोड़ा सा ये भी सुना है कि थोड़ा मांझी जी से आप ना खुश हैं, नागवारा हैं उनकी विचारधारा से, तो आखिर क्यों, आखिर मतलब थोड़ा सा? देखिए हम लोगों ने जिस प्रकार पार्टी को गठन किया था ये सोचकर कि वाकई में एक ऐसे नेतृत्व का जन्म हो रहा है बिहार में, एक ऐसी विचारधारा का जन्म हो रहा है जो वाकई में लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हमारे पार्टी से जितने भी लीडर्स जुड़े थे, चाहे वो भूषण पटेल जी हों, महाचंद्र सिंह जी हों, या नरेंद्र सिंह जी हों, अजीत सिंह जी हों, सभी लोग धीरे धीरे साइड हो गए। और इन कारणों को ढूंढते ढूंढते जब मैं लास्ट तक पहुँची तो मुझे ऐसा महसूस हो गया था कि इस पार्टी में जितने भी पुराने वर्कर होते हैं वो खटते हैं, जब वो अपनी मजदूरी मांगते हैं तब वो उसको साइड करने का काम करते हैं, तो हम लोग के मजदूरी मांगने का समय आ चुका था, इसलिए शायद उन्हें लगता था कि ऐसे लोग चले ही जाएं ताकि मैं नया नए लोगों को खटा सकूं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोगों ने इस्तीफा दिया है, उत्तर प्रदेश में ये भी सवाल उठे हैं कि वहाँ से भी बहुत सारे चंदा पार्टी से लिया गया था, और ये कहा गया था कि चुनाव में आपको मैं टिकट दूंगा क्योंकि मेरा किसी से गठबंधन नहीं है, लेकिन जब वो लोग टिकट मांगने बिहार आए तो जीतन राम मांझी जी उनसे बात तक नहीं की, इसलिए उन सभी ने इस्तीफा बनाने का मन बना लिया है और अब इस्तीफा देने भी वो लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आप कितने दिनों तक छिपा के रख पाएंगे कि आप किस प्रकार की राजनीति करते हैं जी। तो मैम एक चीज़ हम आपसे और पूछेंगे, क्योंकि बिहार की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, अगर देखा जाए तो क्राइम हो, महिला के क्षेत्र में आप कह लें या फिर क्राइम के क्षेत्र में कह लें, बढ़ोतरी होती जा रही है, इसमें इसके लिए सरकार क्या करेगी मैम, मतलब कुछ क्यों, अगर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है सरकार? क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि ये जातीय और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और अगर वो बिहार का नेतृत्व, उनको लगता है मेरे सामने कोई है नहीं। लेकिन आज जिस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो या महिला जगत की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, तो आप देखेंगे कि हर जगह सरकार पिछड़ रही है। लेकिन जिस तरह का राष्ट्रवाद का नारा देना, धर्मवाद का नारा देना,
जिस दिन पब्लिक को समझ में आ गया कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे, पब्लिक खदेड़ खदेड़ कर मारेगी इन्हें और भगाएगी उस कुर्सी पर से, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और आज देखिए जनता का ही कोई वैल्यू नहीं है और नेता ही मालिक बन जाते हैं, जबकि 5 साल के लिए नौकर के रूप में, सेवक के रूप में प्रतिनिधियों को काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग मालिक बनने का काम करते हैं। ये बात हम लोग जन जन तक जाकर बताएंगे कि आप काम करने वाले को वोट दीजिए, और आप को जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं, उन्हें आप सबक सिखाइए। तो 2020 में हमारा यही एजेंडा रहेगा, इसी एजेंडे को लेकर हम बिहार में। तो अनामिका जी, आप हमेशा टिकट को लेके बोलते आई हैं, टिकट में क्या गड़बड़ी होती है, मतलब हम ये जानना चाहते हैं। टिकट में तो पहली गड़बड़ी मुझे ये पसंद नहीं आई कि महिलाओं को स्थान नहीं मिला। दूसरा मुझे ये पसंद नहीं आया कि पार्टी के किसी भी नेता या वर्कर को टिकट नहीं दिया गया। क्या ऐसा कौन सा कारण था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी आदरणीय जीतन राम मांझी जी की कि ऐसे लोग जो शाम में पार्टी ज्वाइन करते हैं और सुबह में उन्हें टिकट दिया जाता है। ये गड़बड़ी 2015 के विधानसभा में भी हुई थी, हमारा नाम अनाउंस कर दिया गया था, और मसौढ़ी से अनाउंस करने के बाद सुबह में मसौढ़ी से आती है नूतन पासवान जी सामने और सुबह में उनको टिकट थमा दिया जाता है। तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल मेरे लिए नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और पार्टी में जब भी मीटिंग होती थी, कोर कमेटी की बैठक, तो कहा जाता था कि आप लोग चंदा दीजिए, जिसको जिसको इलेक्शन लड़ना है सभी लोग चंदा देते थे, टिकट के नाम पर पैसा। अभी 30 तारीख की समीक्षा बैठक में आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने कह दिया कि हमारी जो हार हुई है तेजस्वी के नेतृत्व की वजह से हुई है, और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि भाई जिसको नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है, 2020 खेलना है, तो 10-10 लाख रुपया जमा करें तभी वो टिकट मांगे। तो इसका मतलब था, साफ था कि बिना पैसा के टिकट नहीं मिलना था, लेकिन जो लोग खट चुके थे, जो लोग पैसा दे चुके थे, वो तो डेफिनेटली था कि वो पैसा नहीं देंगे। यही कारण था कि धीरे धीरे सारे पुराने लोग इस बात को समझ चुके थे और साइड हो चुके थे, और इन्हीं सब बातों से मैं बहुत आहत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जो जीत की रणनीति नहीं बनाते वो हार की समीक्षा करते हैं, ताज्जुब की बात है। ये ऐसे नेतृत्व के साथ हम लोगों को काम करने में बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने पार्टी से नाता पूरा और मिलकर रखेंगे जी। तो ये थी हमारे साथ अनामिका पासवान जी। फिलहाल हम यहीं रुकते हैं और मिलते हैं आपसे, लेकिन आप बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ अजय भारत।